पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज सिद्धू की बरसी पर उनके माता पिता और उनके फैंस उन्हें काफी याद कर रहे हैं। बता दें कि भले ही सिद्धू मूसेवाला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने गानों से वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बीते दिनों सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे मूसेवाला की दूसरी बरसी की जानकारी दी है। सरदार शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला 11/6/1993 से 19/5/2022 दूसरी बरसी, भगवान के घर से न्याय की मांग और दर्दनाक अलगाव को ध्यान में रखते हुए उसकी पीठ याद में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ, दिनांक 29 मई 2024 गुरुद्वारा बाबा मढ़ साहिब जी जंडियाला मंझ की जालंधर में करवाया जा रहा है। आपसे इसमें शामिल होने का अनुरोध किया जाता है। इससे पहले माता चरण कौर ने पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, इस महीने का एक दिन मुझे बारिश जैसा लगता है, मैं इस महीने की तारीखें भी नहीं गिनती हूँ, मुझे अपने अंदर चल रहे शोर को चुप करवाना है, कभी कभी ये काफी मुश्किल लगता है, लेकिन फिर तुम्हारा छोटा सा रूप देखकर तुम्हारे बचपन को दोहराते हुए मैं अपने मन को समझा लेती हूँ। आज हमारी जिंदगी बेशक 27-28 साल पीछे चली गई है, लेकिन बेटा हम तुम्हारी यादों की गर्माहट और तुम्हारे स्नेह में अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं। बेटा हम इसी भावना तक सीमित रहना चाहते हैं। अतीत का मरहम स्वयं सतगुरु बनकर हमारे पास आया है। हम भी दुनियावी बातों में अपनी उपस्थिति नहीं भरना चाहते, हम तो बस अपने घर में खुशियों के फूलों को प्यार से सींचना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भावनाओं की कदर करेगा। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जानकारी दी है कि बरसी काफी सामान्य तरीके से मनाई जाएगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि कल का दिन काफी सिंपल रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव और बढ़ते तापमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही कहा कि बाहर से लोगों को कम बुलाया गया है, यहाँ तक कि बेहद चुनिंदा लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। बलकौर सिंह ने कहा कि बरसे पर परिवार के लोग और रिश्तेदार भी शामिल रहेंगे, बढ़ती गर्मी को देखते हुए जनता को मना किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोग्राम बिल्कुल छोटा और सिंपल रखा गया है। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक रस्में होती है वहाँ पर केवल धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। सिंगर की हत्या के बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने कहा था कि अभी सिद्धू के काफी गाने रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि वो अपने बेटे को 7 से 8 साल तक जिंदा रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धू के सभी गानों को 6 महीने के गैप में रिलीज किया जाएगा। वही सिद्धू की माता चरण कौर ने कहा, सिद्धू के 45 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। सिद्धू के सभी गाने उनके पास हैं और कोई भी गाना चोरी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू की टीम ने उनके अधूरे प्रोजेक्ट उनके परिवार को सौंप दिए थे। अब जो गाने रिलीज होंगे वो पूरे नहीं हैं। इस गाने में से किसी में सिद्धू ने 2 पहरे गाए हैं तो किसी में 3। इसी के चलते सिद्धू की टीम विदेशी रैपर्स के साथ मिलकर सिद्धू के गानों को जोड़कर पूरा कर रही है। सिद्धू की हत्या के बाद उनका दूसरा गाना वार पिछले साल 8 नवंबर को रिलीज हुआ था। इसके बाद इसी साल मार्च में सिद्धू का तीसरा गाना मेरे नाम रिलीज हुआ है। इस गाने में नाइजीरियन रैपर बर्ना बोई के लिरिक्स भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में 29 मई को शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की मनसा गांव में 6 शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड को बताया गया है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।